बहुत समय पहले सोनापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। फिर एक दिन कहीं से गर्भवती गाय उस गांव में आ जाती है। उस गाय के शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थी। लाचार गाय मदद की आस से सड़क से गुजर रहे लोगों को देख रही थी, लेकिन सभी लोग उस गाय को नजरअंदाज करके अपने रास्ते जा रहे थे। तभी एक आदमी खाने का ढेर सारा सामान लेकर उस गाय के पास से गुजरता है। गाय बहुत भूखी थी, इसलिए वो उस आदमी के हाथ में पकड़े थैले में मुंह डालकर अंदर मौजूद खाना खाने लगती है। ये देख आदमी गुस्से से तिलमिला जाता है। अरे सत्यानाश हो इस गाय का, इसने मेरा खाना जूठा कर दिया। ठहर जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। उसके बाद वो आदमी सड़क पर पड़े पत्थर उठाकर गाय को मारने लगता है। बेचारी गाय पहले से ही घायल थी, पत्थरों की चोट से उसे और तकलीफ होने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रही गायत्री नाम की लड़की ये सब देख लेती है। अरे ये मोटा आदमी इस बेजुबान गाय को बुरी तरह मार रहा है, मुझे इसे बचाना होगा। गायत्री फौरन उस आदमी का हाथ पकड़ लेती है। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह बेरहमी से इस गाय को पत्थर से मार रहे हो? ए लड़की, इसने मेरा खाना जूठा किया है, इसलिए मैं इसे इसकी सजा दे रहा हूँ। बस बहुत हो गया, अगर तुमने एक पत्थर भी इस गाय पर फेंका तो मैं अपनी सैंडल उतारकर तुम्हारी पिटाई करूँगी। ये सुनकर वो आदमी घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत तेज है, इसके मुंह कौन लगेगा? कहीं इसने सच में सैंडल से मेरी पिटाई कर दी तो भरे बाजार में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह गायत्री की धमकी से डरकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। ये गाय इस वक्त गर्भवती है, इसे सड़क पर छोड़ना ठीक नहीं है, वरना बुरे लोग इसी तरह इस पर अत्याचार करते रहेंगे। मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। इतना कहकर गायत्री उस गाय को अपने घर ले जाती है, लेकिन उस गाय को देख गायत्री की सौतेली माँ रोमा मुंह बना लेती है। क्यों रे गायत्री की बच्ची, तू ये गाय कहाँ से उठाकर लाई है? देखो माँ, ये गाय बुरी तरह घायल है, ये सड़क पर घूम रही थी और एक आदमी इसे बुरी तरह मार रहा था। मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। उसके बाद गायत्री उस गाय को घर के आंगन में बांध देती है। फिर अगले दिन, माँ आज 4 रोटी ज्यादा बनाना, उस बेचारी गाय को खिलाना है। अरे तू पागल हो गई है क्या, मैं तुझ जैसी नालायक को घर में रखकर पाल रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। खबरदार, अगर तूने उस गाय को एक भी रोटी खिलाई तो मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगी। रोमा की बात सुनकर गायत्री को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद मजबूर होकर गायत्री अपने हिस्से की रोटियाँ गाय को खिला देती है। दूसरी तरफ गायत्री अपना ज्यादातर समय उस गाय के साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन रोमा गायत्री को अपनी नई साड़ी प्रेस करने के लिए देकर बाहर चली जाती है। गायत्री रोमा की साड़ी प्रेस कर रही थी कि तभी अचानक बाहर बंधी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गायत्री दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है। लगता है इसे बहुत भूख लगी है। उसके बाद गायत्री रसोई घर में रखा खाना लाकर गाय को खिला देती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेस रोमा की साड़ी पर गिर जाती है, जिस वजह से रोमा की साड़ी जलने लगती है। तभी वहाँ रोमा आ जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? क्यों रे नालायक, तूने मेरी नई साड़ी जला दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर रोमा गायत्री की पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं माँ, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो। लेकिन रोमा गायत्री की एक नहीं सुनती और उसे मार मार कर लहूलुहान कर देती है। गायत्री को मार खाते देख गाय को बहुत बुरा लगता है। तभी अचानक गाय अपनी पूंछ लंबी करके रोमा को पकड़कर उसे उछाल कर दूर फेंक देती है। हाय मर गई रे, सत्यानाश हो उस गाय का, उसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रोमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर में रखी कुल्हाड़ी लेकर गाय को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक उस गाय का सिर एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है, अचानक इस गाय का चेहरा इतना डरावना कैसे हो गया? अरे कहीं ये मुझे मार कर ना खा जाए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस तरह रोमा डर कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद गाय का चेहरा फिर से साधारण हो जाता है।
चलो गायत्री, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, आज से हम यहाँ नहीं रहेंगे। गायत्री फौरन गाय की पीठ पर सवार हो जाती है। फिर अगले ही पल वो गाय हवा में उड़ती हुई गायत्री को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाती है। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ था। उस घर में पहुँचते ही वो गर्भवती गाय एक खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। ये देख गायत्री को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मैं एक जादूगर की बेटी हूँ। एक शैतान के श्राप की वजह से मैं गाय बनकर भटक रही थी। आज मेरा श्राप टूट गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में आ गई हूँ। तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। उसके बाद राजकुमारी गायत्री को खजाने से भरे बक्से के साथ हवा में उड़ने वाली एक जादुई झाड़ू भी दे देती है। अब इस खजाने से एक बेहतर जिंदगी जियो। फिर राजकुमारी का शुक्रिया अदा कर गायत्री जादुई झाड़ू पर सवार होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गायत्री उन सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया मकान बनाकर वहाँ रहने लगती है। दूसरी तरफ गायत्री अपने घर के सामने एक बहुत बड़ी गौशाला बनाकर तैयार कर देती है और सड़क पर घूम रही बेसहारा गायों को वहाँ लाकर उनकी देखभाल करने लगती है। फिर एक दिन उस दुष्ट रोमा को गायत्री के अमीर होने की बात पता चल जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अचानक ये गायत्री की बच्ची इतनी अमीर कैसे हो गई? अब उसे मार कर उसकी सारी दौलत हथिया लूंगी। फिर रात होते ही रोमा गायत्री को मारने दबे पांव उसके घर में दाखिल हो जाती है। उस वक्त गायत्री आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। यही अच्छा मौका है, मैं इस चाकू से इसका गला काट कर इसकी जान ले लेती हूँ। लेकिन तभी कमरे में रखी जादुई झाड़ू रोमा की पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, अचानक ये जादुई झाड़ू कहाँ से आ गई? अरे कोई बचाओ मुझे। इस तरह चिल्लाती हुई रोमा वहाँ से भाग खड़ी होती है। भागते भागते रोमा गौशाला में पहुँच जाती है। फिर वहाँ मौजूद सभी गाय रोमा को अपनी सींगों से टक्कर मारने लगती है। देखते ही देखते रोमा का सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है। अरे बस करो, अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं मारी जाऊंगी। फिर किसी तरह गिरती पड़ती रोमा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन के बाद से गायत्री की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।